हेलो बच्चों, हमने कन्वर्सेशन में पढ़ा था कि हमें किस समय क्या बोलना चाहिए। मॉर्निंग में मतलब सुबह के समय जब हम लोग किसी से मिलते हैं सुबह सुबह, तो हमें क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग। और दोपहर में मिलते हैं जब किसी से, दोपहर मतलब 12 बजे से बाद का समय, तो हमें क्या बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून पापा, गुड आफ्टरनून अंकल, है ना। और जब शाम हो जाती है, सूरज डूबने लगता है, तो शाम के समय को हम लोग कहते हैं इवनिंग। तो उस समय हम जिन किसी से भी मिलेंगे तो क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। और रात में जब रात हो जाती है, हम लोग सोने के लिए जाते हैं, तो मम्मी पापा दादा दादी दीदी भैया सबको क्या बोलना चाहिए, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, गुड नाइट दीदी, गुड नाइट दादी माँ, है ना। तो ये हमने सीखा है, और आप इसको केवल सीखेंगे नहीं, इसको अपने घर में इस्तेमाल भी करेंगे। रोज सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि जब हम लोग अपने दोस्तों से मिलेंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे उन्हें बात कैसे बात शुरू करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि दोस्त से मिलने पर हमें क्या बोलना है। What will you say when you meet your friends? जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या कहना चाहिए। I will say hello, how are you? जब हम लोग मिलेंगे तो क्या कहेंगे, hello, how are you? Hello, तुम कैसे हो। नंबर टू में है, What will you say when you part from someone or your friends? आप जब आप अपने दोस्तों से मिल लेते हैं और जब जाने का समय होता है, तो हमें क्या कहना चाहिए, किसी के साथ भी, या तो फ्रेंड्स के साथ, या हम किसी के यहाँ घूमने जाते हैं और जब हम लोग जब चलने को होते हैं, हम लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए। आई विल से बाय बाय, सी यू अगेन। मुझे कहना चाहिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन मीन्स फिर मिलेंगे। तो आज आप ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलिएगा दीदी से या मम्मी से, जो भी घर में है, कि आप मुझसे पूछिए क्वेश्चन और मैं आपको बोलूँगा हेलो हाउ आर यू, और फिर जब आप जाने लगेंगे तो कहेंगे बाय बाय सी यू अगेन। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा खेल में।